रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए इस समारोह को भाजपा और आरएसएस का इवेंट करार दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का इस फैसले से पार्टी के कुछ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। गुजरात के कांग्रेस विधायक अर्जुन मोडवाड़िया ने आला कमान के फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, भगवान श्री राम आराध्य देव है, वो देशवासी की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय से लेने से दूर रहना चाहिए था। कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराते हुए कहा कि ये आयोजना भाजपा चुनावी लाभ के लिए कर रही है। वहीं कांग्रेस के इस फैसले पर भाजपा ने कहा कि विपक्षी दल का दिमाग ठीक उसी तरह खराब हो गया जैसा कि त्रेता युग में रावण का हो गया था। भाजपा ने आगे कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करने वालों का जनता चुनाव में बहिष्कार करेगी। वहीं बुधवार को कांग्रेस महासचिव ने एक पत्र जाहिर करते हुए कहा कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजन बना दिया गया है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। फिलहाल आपका कांग्रेस के इस बयान पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।